देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर दिए, चाहे ए टू बी एफ टी डी टी कर दिए, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करो या ए टू बी एफ टी डी टी करो, अपना आंसर सेम आता है। सपोज करो मैं तुम्हें तो 1 to 2 एक्स डी एक्स देता, इन द इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन कितना जो x² / 2 हो जाएगा। लिमिट कितनी है 1 to 2, अपर लिमिट कितनी है 2, पहले 2 पुट कर दो, 2d² 4/2 माइनस, फिर अपर लोअर लिमिट पुट करनी है 1, 1d² 1, 1/2। देखो अपना आंसर कितना बन गया, 3/2 बन गया। हूँ मैं एफ टी दी जगह थोन टी देता, लिमिट अपनी 1 to 2, एफ टी दी वैल्यू कितनी देती, टी टी का इंटीग्रेशन करेंगे कितना जो t² / 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2d² / 2 1d² / 2 2d² 4 / 2 1d² 1/2। देखो एलसीएम लोगे कितना आंसर आ गया, 3/2 3/2। यानी कि क्या ना मतलब ये है कि जो थोड़ा एफ एक्स डी एक्स तो एफ टी डी टी भी लिखना पै जाए ना तो सेम ही रहेगा आंसर। देखो सेकंड प्रॉपर्टी है, मैं अगर थोड़ा बी टू ए देता एफ एक्स डी एक्स, जे तुसी लिमिट नू इंटरचेंज करते हो ना तो अगे साइन का आ जाऊगा माइनस का, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सपोज करो मैं थोनू इत्थे वैल्यू लोअर दे लार्जर देती तो इत्थे समोलर देती, जिहड़ी अपनी लोअर लिमिट होंदी है ना उह समोलर होनी चाहिए, लार्जर लिमिट अपर लिमिट लार्जर होनी चाहिए। सपोज करो आ देता थोनू 2 to 1, अपना 1 to 2 होना चाहिए, तो आप की करांगे इत्थे माइनस का साइन लगा के लिमिट नू की कर देंगे इंटरचेंज, 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कदे भी लोअर लिमिट वड्डी नहीं होनी चाहिए, अगर वड्डी दित्ती भी है अपर लिमिट नाल तो इन्हों इंटरचेंज करके अगे साइन का लगा देंगे माइनस, ठीक है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी है कि आप ए टू बी एफ एक्स डी एक्स देता, अगर आप एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स चेंज कर दिए ना तो जिन्ना इंदा आंसर आना उन्ना ही इंदा होगा, जिथे एक्स है उत्थे की पुट करना है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, कहने का मीनिंग ये है कि इंदा आंसर जोड़ा आना ना वह भी इंदा होगा, यानी कि इंटीग्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी की है, अगर थोनू मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स देता तुसी ए टू बी दे विच ब्रेकिंग पॉइंट ले सकते हो कि ए टू सी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर तुसी ए ते बी दे विचो कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लो ए टू सी सी टू बी, चाहे तुसी इंदा इंटीग्रेशन करो चाहे तुसी इन दोनों का इंटीग्रेशन करके प्लस करो, आंसर सेम होगा। देखो जे मोड वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इतने 0 to 5 दिता है, इतने मोड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स देता तो तुसी इंदे विच ब्रेकिंग पॉइंट लाओगे, ब्रेकिंग पॉइंट वास्ते की करोगे एक्स माइनस वन किंदे को रखोगे 0 दे, थोड़े को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 1, तो अपना ब्रेकिंग पॉइंट कितना बन जाऊगा 1, 0 to 1, 1 to 5, यानी कि जेड़ा इंदा आंसर आना ना वो किंदे इक्वल होगा इन दोनों दे सम दे इक्वल, ठीक है। कि दोबारा बोला कि आप ए टू बी एफ एक्स कोई ब्रेकिंग पॉइंट लैके उन्हों का इंटीग्रेशन करके सम करिए दोनों का आंसर की हो जाएगा सेम, क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन है ना तो ब्रेकिंग पॉइंट करके ही सम करना पड़ेगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स देता, थोनू थर्ड प्रॉपर्टी दसी सी ना की दसी सी एक्स की जगह पर की पुट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, बस अपनी इतने लोअर लिमिट 0 दी हुई अपर लिमिट ए दी हुई है, 0 to a f 0 + a - x dx, जेड़ा आंसर इंदा होगा ना वही इंदा होगा, क्लीयर है। बस इंदे नाल की हो जाता कैलकुलेशन सौखी हो जाती है, क्लीयर है। थर्ड प्रॉपर्टी तो फिफ्थ प्रॉपर्टी की अपनी सेम है, बस उन्हें ए टू बी लिखा होता इंदे 0 to a दिता होगा। सिक्स प्रॉपर्टी है, देखो अपने कई बार ना लिमिट की दी होंगी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स,
सपोज करो माइनस वन टू वन हो गए, माइनस टू 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 हो गए, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू हो गए, माइनस पाई टू पाई हो गए। तो इन वास्ते ना अपने पहले एफ एक्स चैक करना पैंता है कि एफ एक्स ईवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। देखो इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ओड फंक्शन किमें चैक करोगे, तुम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, जेड़ा एफ एक्स दिता होगा ना उन एक्स की जगह की पुट करोगे माइनस एक्स, और जो थोड़ा माइनस एफ एक्स आ गया ना तो थोड़ा ओड फंक्शन होगा, तो आप कुछ नहीं करना आंसर सीधा जीरो लिखना, ठीक है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स आप चैक करा कि एफ एक्स की है ओड है कि ईवन है, अगर एफ एक्स ओड फंक्शन आ जाए तो अपना आंसर सीधा की आ जाएगा जीरो, अदरवाइज जे एफ एक्स की है ईवन फंक्शन, एफ एक्स इज ईवन फंक्शन। देखो ईवन फंक्शन वास्ते की करांगे सेम एक्स की जगह की रिप्लेस करांगे माइनस एक्स, और अगर थोड़ा एफ एक्स ही आ गया ना तो थोड़ा की होंगे ईवन फंक्शन, तो इन वास्ते माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का की करना है, डबल करके लिमिट जीरो टू ए कर देनी है, इतने माइनस ए टू ए डबल करके लिमिट की कर देनी है जीरो टू ए। सपोज करो माइनस टू 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 है तो इतने डबल लगा के की कर दोगे जीरो तो टू, जे इतने माइनस थ्री तो थ्री है तो इतने डबल लगा के जीरो तो थ्री, क्लियर है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है जीरो तो पाई बाय टू कोज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स डी एक्स है, ठीक है। करन नू क्या आप इंटीग्रेशन सिंपल भी कर सकते हैं जिमें आप सैवंथ बीच किए सी, ठीक है सर, बट कई बार थोड़ा कह ही देंगे कि प्रॉपर्टी यूज करो तो इनू ना आई दे उपर रख लिया करो, ठीक है। जीरो टू ए हो गया, मैं थोड़ा की कहा सीगा फिफ्थ प्रॉपर्टी तो थर्ड प्रॉपर्टी सेम होंगी है, एक्स की जगह च की पुट कर दो जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस की है जो है एक्स, यानी कि एक्स की जगह तक की पुट कर दो पाई बाय टू माइनस एक्स, जिथे इतने एक्स है उत्थे की पुट कर दो कोस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, क्लियर है। कोस नाइनटी माइनस थीटा कि साइन थीटा, साइन नाइनटी माइनस थीटा कोस थीटा, कोस नाइनटी माइनस थीटा साइन थीटा, आई चल रहा ना नाम। यह अपनी जी फस्ट इक्वेशन सी, ये जी अपनी इनू सोल्व करके आई और सैकेंड, इन दोनों हमेशा की करते करो एड, थिंक फस्ट एंड सैकेंड आई प्लस आई टू आई हो जूगा, जीरो टू पाई बाय टू कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इकट्ठा भी तो कर ही सकते हैं ना, एक इंटीग्रेशन से लिख लो जीरो टू पाई बाय टू कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो डिवाइड वाला पोर्शन सेम है, एलसीएम लाओगे कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे वाली टर्म ना डिवाइड ऊपर वाले ना मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा कोस एक्स, नीचे वाले ना डिवाइड ऊपर वाले ना मल्टीप्लाई साइन एक्स, इन्ना दसो समझाया कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसल आउट हो जाएगा की बच गया वन, टू आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू वन का इंटीग्रेशन। देखो वन का इंटीग्रेशन की हो जाएगा एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय टू माइनस जीरो, टू मल्टीप्लाई चाहता इधर आके की हो जाएगा डिवाइड, आई की वैल्यू कितनी आ गई अपनी पाई बाय फोर आंसर। उपर कोज एक्स है डिवाइड च साइन एक्स प्लस कोज एक्स है, टू नाल कर दो मल्टीप्लाई तो टू नाल की कर दो डिवाइड, सैवंथ बी एक्सरसाइज असम है टू कोज एक्स में तुम की लिख सकते हो कोज एक्स प्लस कोज एक्स लिख सकते हो,
साइन एक्स ऐड साइन एक्स सबट्रैक्ट कर सकते हैं। कोज एक्स प्लस साइन एक्स इकट्ठा लिख लो, कोज एक्स माइनस साइन एक्स इकट्ठा लिख लो, कोज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोज एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड वाली टर्म अलग अलग कर दिए। दिस वन कैंसल, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स। देखो कोस का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कितना है कोस, इधर तो वन का इंटीग्रेशन सीधा कर दोगे। वन का इंटीग्रेशन एक्स कोस का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, डिवाइड वाले ने पुट कर दिया, डेरिवेटिव कर दो t दा dt by dx, dx इधर चला जाएगा, dt by t, 1 by t दा इंटीग्रेशन log t, t दी वैल्यू कितनी है थोड़ी, sin x plus cos x, अपर देखो पहले आप अपर लिमिट पुट करनी है, पाई बाय टू साइन पाई बाय टू कोस पाई बाय टू, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, इतने जीरो पुट करोगे लॉग साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, देखो साइन नाइनटी वन हो जाएगा, कोस नाइनटी जीरो, लॉग वन जीरो, लॉग वन जीरो, पाई बाय टू इंटू वन बाय टू कितना बन गया पाई बाय फोर, आंसर आ गया। देखो जीरो टू पाई बाय टू साइन दी पावर वन बाय टू अपॉन च साइन दी पावर वन बाय टू कोस दी पावर वन बाय टू, पहले नंबर पर तो यह ध्यान रखियो जिम्मे हम इतने पावर थ्री बाय टू देती, फाइव बाय टू देती, फाइव 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 देती, ठीक है सिक्स 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 देती, टेन 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 देती, कि एन दी पावर सेम है ना, सीधा आई देख कर रख के प्रॉपर्टी लगा दिया करो, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है जीरो प्लस पाई बाय टू हो जाएगा माइनस एक्स, फॉर्मूले च वैल्यू अप्लाई कर दो, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होल पावर वन बाय टू, साइन वन बाय टू माइनस एक्स होल पावर वन बाय टू, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स होल पावर वन बाय टू, साइन नाइन्टी माइनस इटा कोस इटा, साइन नाइन्टी माइनस इटा कोस इटा, कोस नाइन्टी माइनस इटा साइन इटा, कोस एक्स की पावर वन बाय टू, कोस एक्स की पावर वन बाय टू, साइन एक्स की पावर वन बाय टू, ठीक है आप फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों की कर दोगे ऐड, ठीक है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आई प्लस आई कितना आ जाएगा, आई प्लस आई टू आई, ठीक है जीरो टू पाई बाय टू साइन वन बाय टू एक्स अपॉन साइन वन बाय टू एक्स प्लस कोस वन बाय टू एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाय टू कोस वन बाय टू एक्स अपॉन कोस वन बाय टू एक्स प्लस साइन वन बाय टू एक्स, जीरो टू पाई बाय टू जीरो टू पाई बाय टू सेम ही है, साइन दी पावर वन बाय टू एक्स साइन दी पावर वन बाय टू एक्स कोस दी पावर वन बाय टू एक्स प्लस कोस दी पावर वन बाय टू एक्स कोस दी पावर वन बाय टू एक्स प्लस साइन दी पावर वन बाय टू एक्स, एलसीएम की बन जूगा साइन दी पावर वन बाय टू एक्स प्लस कोस दी पावर वन बाय टू एक्स, दिस वन कैंसल, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जूगा एक्स,
जीरो टू पाई बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कि आ गया पाई बाय फोर। जो इन की पावर देखो जीरो टू पाई बाय टू साइन स्केयर एक्स डी एक्स, अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन करना तो आप साइन स्केयर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि होंगे वन माइनस कोस टू एक्स बाय टू, वन बाय टू कॉन्सटेंट ही है मल्टीप्लाई से रख दो बार, वन का इंटीग्रेशन एक्स कोस का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाय टू, फिर की करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिथे एक्स है उत्थे की पुट कर दोगे पाई बाय टू साइन टू पाई बाय टू माइनस, फिर आप लोअर लिमिट पुट करनी, देखो जीरो पुट करोगे जीरो साइन जीरो जीरो, टू ना टू कैंसल, साइन पाई भी किन्ना होता है जीरो, वन बाय टू पाई बाय टू आंसर कि आ गया पाई बाय फोर। अगर तुसी प्रॉपर्टी लगा प्रॉपर्टी की दसी सी जीरो टू पाई बाय टू है लगा दो एक्स की जगह पर जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक है साइन स्केयर पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन नाइनटी माइनस सीटा क्या होता कोस सीटा कि आजगा इतने कोस स्केयर एक्स आ जूगा, आप फस्ट फॉर्म बन गई यह सैकेंड दोनों की कर दोगे ऐड आई प्लस आई टू आई, ठीक है जीरो टू पाई बाय टू जीरो टू पाई बाय टू जीरो टू पाई बाय टू इकट्ठा ही लिखता साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स डी एक्स, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर कि वन याद है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर वन होंगे, वन का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू आई इक्वल टू कहते आ जाऊगा पाई बाय टू माइनस जीरो की आई कहते इक्वल आ गया पाई बाय फोर। देखो इन कहते इक्वल पुट कर लो आई दे प्रॉपर्टी की दसी सी थर्ड प्रॉपर्टी दसा सी ना ए टू बी हो गए तो एक्स की जगह की पुट कर लिया करो ए प्लस बी माइनस एक्स, ए किन्ना थोड़ा वन बी थोड़ा किन्ना थ्री माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर की पुट कर देंगे फोर माइनस एक्स, ए जिथे इतने एक्स है ना उत्थे की पुट कर दो फोर माइनस एक्स आई चल लो इधर ही वन टू थ्री एक्स इतने एक्स की जगह पर की पुट कर दें फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स, ठीक है ना एक्स की जगह पर फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स, देखो माइनस अंदर जाऊगा साइन चेंज हो जाएंगे, फोर माइनस फोर प्लस एक्स रूट ऑफ फोर माइनस एक्स फोर माइनस फोर प्लस एक्स, दिस वन कैंसल दिस वन कैंसल, थोड़े को बच गया वन टू थ्री रूट एक्स डी एक्स अपोन रूट ऑफ फोर माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। देखो गिवन नू ता फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया करो एन सेकेंड दोनों नू की कर दोगे ऐड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आई प्लस आई टू आई वन टू थ्री रूट फोर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ फोर माइनस एक्स प्लस वन टू थ्री रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ फोर माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। देखो वन बाय थ्री दोनों का इंटीग्रेशन सेम ही है कि कर दो इकट्ठा ही लिख दिए एलसीएम, ठीक है फोर रूट फोर माइनस एक्स प्लस रूट एक्स सेम रूट फोर माइनस एक्स रूट एक्स, दिस वन कैंसल वन आ गया वन द इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
पहला थ्री पुट कर दोगे, फिर वन टू आई इक्वल टू टू, आई दी वैल्यू कितनी आ गई देखो हूँ है माइनस एट टू ए एट सॉरी ठीक है मैं थोड़ा प्रॉपर्टी दसी थी ना माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर थोड़ा एफ एक्स ओड फंक्शन हो गए तो आंसर की लिख दोगे जीरो इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन एफ एक्स साइन की पावर 93 है एक्स की पावर 295 तुसी एक्स की जगह पर की रिप्लेस करना होंगे माइनस एक्स जिथे इतने एक्स है उत्थे की पुट कर दो माइनस एक्स देखो तुम्हें पता साइन का माइनस बार करता है माइनस साइन एक्स की होल पावर कितनी है 93 तो थोनों ये भी पता है माइनस एक्स की पावर ओड हो तो की आजगा माइनस ठीक है साइन आता माइनस बार करता है बट इतने की 93 है ओड पावर ही होगी तो की आजगा माइनस साइन 93 पावर माइनस एक्स पावर 295 टेकिंग कॉमन माइनस देखो की बन गया एफ एक्स ही बन गया माइनस होगा और फंक्शन होगा तो कुछ नहीं करना आंसर सीधा के लिखना जीरो देखो माइनस वन टू वन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स पहले ये चेक करना है कि ही बना के ओड एफ एक्स की दिता वे साइन दी पावर 5 कोस दी पावर 4 तुसी एक्स की जगह की पुट करना है? देखो ईवन ओड चेक करने वास्ते तुसी एक्स की जगह पर की पुट करना है माइनस एक्स साइन माइनस एक्स होल पावर कितनी है 5 कोस माइनस एक्स होल पावर कितनी है 4 देखो साइन आपका माइनस की कर दिंदा बाहर ले आंदा माइनस साइन एक्स दी होल पावर 5 कोस आपका माइनस खत्म कर दिंदा ठीक है एंकल वाला माइनस कोस चुकी हो जाता खत्म कोस एक्स की पावर की रहेगी 4 देखो माइनस वन की पावर ओड है तो की आ जाएगा माइनस साइन 5x कोस 4x माइनस आ रहे बाकी की बन रहे सेम बन रहे ना जिहड़ा दिता गया सी की बन गया है की बना क्या और फंक्शन हो गया माइनस बाहर आ जाऊगा एफ एक्स से तो और फंक्शन होंगे और फंक्शन है तो आंसर की लिखना है तुसी जी देखो 227 लिमिट देती इंटीग्रेशन करना कहता मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव डी एक्स जो मोड वाला सम हो गए ना तो ब्रेकिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगाया करो एंड ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड किमें करोगे एन इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो पुट कर दिया करो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कि आ जाएगी 5 छोटा ही ब्रेकिंग पॉइंट बन जाएगा कि लिखोगे लोअर लिमिट 2 है 2 5 प्लस 5 टू 7 देखो 27 मिल रहे हैं ना ब्रेकिंग पॉइंट क्या चुका 5 फंक्शन की है मोड ऑफ x माइनस 5 मोड ऑफ x माइनस 5 देखो 2 to 5 है देखो मोड का साइन हटा के जाता प्लस आना होंगे या माइनस आना होंगे ठीक है वैसे तो यह प्रॉपर्टी होंगी है कि अगर ब्रेकिंग पॉइंट तो वैल्यू लैस पई है तो मोड हटा के साइन का लगा देने माइनस का नहीं तो तुम ये करा करो देखो देखो 2 to 5 के बीच अपना वैल्यू 4 लैनी इतने मैं 4 पुट किया 4 माइनस 5 की होगा माइनस 1 तो मोड हटा के साइन लगा दियो माइनस का ठीक है इतने की 5 to 7 5 to 7 के आप 6 पुट कर लिया 6 माइनस 5 1 पॉजिटिव आ रहा तो मोड हटा के की लगा दोगे पॉजिटिव ठीक है देखो इतने जो आप 2 to 5 के 4 पुट किया या 3 पुट किया इतने नैगेटिव बन रहा है तो आप मोड हटा के की लगाता माइनस ऑफ साइन 5 to 7 के आप जो 6 पुट किया तो यह बन रहा है पॉजिटिव तो आप मोड हटा के साइन समझो कदा लगाता प्लस का हूँ इंटीग्रेशन कर दो एक्स माइनस 5 की इंटीग्रेशन आई गल एक्स माइनस 5 की होल स्केयर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर एक्स माइनस 5 की एक्स माइनस 5 की होल स्केयर बाय 2 अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट, 5 माइनस 5 होल स्क्वायर बाय माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 5 दी होल स्क्वायर बाय 2 प्लस, देखो इन दे की करना है, पहले अपर लिमिट 7 माइनस 5 बाय 2 दी स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 5 होल स्क्वायर बाय 2। देखो 5 बाय कैंसल, 0 दी स्क्वायर तो 0 बन गई, 2 माइनस 5 माइनस 3 दी स्क्वायर 9 बन गया, माइनस थोड़े पल पे आई है, 7 माइनस 5 2 2 दी स्क्वायर 4 4 बाय 2 5 माइनस 5 है तो 0 बन गया। ठीक है, देखो माइनस अंदर जाऊंगा तो क्या जो है 9 बाय 2 4 बाय 2 एलसीएम लो 13 बाय 2 आंसर आ गया। देखो 0 तो 2 पाई मोड ऑफ, देखो अपने नु पता है साइन एक्स 0 ते भी 0 होंगे तो पाई ते भी 0 होंगे, 0 तो ऑलरेडी गिवन है तो आप ब्रेकिंग पॉइंट की ले लेंगे 0 टू पाई पाई टू 2 पाई मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स पाई टू 2 पाई मोड ऑफ साइन एक्स टी एक्स। देखो तुम्हें पता है 0 टू पाई का मतलब क्या हो गया, सैकेंड तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ते साइन सैकेंड क्वाड्रेंट से साइन की होंगे पॉजिटिव, तो मोड हटा के साइन कदा लगा दूंगी प्लस का, पाई टू 2 पाई का मतलब क्या हो गया थर्ड ते फोर्थ क्वाड्रेंट से साइन की होंगे नेगेटिव, तो मोड हटा के साइन कदा लगा दूंगी माइनस, उन्हें दा इंटीग्रेशन करो, साइन दा इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोज एक्स 0 टू पाई साइन दा इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोज एक्स माइनस ऑलरेडी है गया माइनस माइनस के जो प्लस कोज एक्स पाई टू 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कोज पाई माइनस माइनस कोज 0। ठीक है, कोज 2 पाई माइनस कोज पाई, देखो कोज पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, कोज 0 कितना होता है माइनस 1 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। ठीक है, कोज 2 पाई 1 कोज पाई माइनस 1 माइनस माइनस की जो प्लस ऐड करके कितना आ गया, देखो ये ध्यान रख लियो जिवें कोज पाई है ये तो होता है माइनस 1 ओड ते तो होता है माइनस 1 कोज 2 पाई है प्लस 1 कोज 3 पाई माइनस 1 कोज 4 पाई प्लस 1। ठीक है,